तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी आपके सामने है पल्सर की NS125 और गाड़ी के अंदर आपको काफी अच्छे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल ये आपके सामने है ग्रे कलर और मैट फिनिशिंग और ग्लॉसी 2-in-1 यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो गाड़ी का प्राइस क्या है, माइलेज क्या देगी, टॉप स्पीड कितनी है, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और कितनी ज्यादा बेस्ट है अदर 125cc बाइक से, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाड़ी के फ्रंट में आपको फॉगी टाइप का यहाँ पे वाइजर मिल जाता है, छोटा सा ब्लैक कलर का। नीचे की तरफ जो है आपको बजाज का स्टिकर मेंशन किया है ब्लू कलर के साथ। गाड़ी के अंदर आपको साइड में ग्रे कलर मिल जाता है ग्लॉसी फिनिशिंग में, प्लस ब्लैक कलर की टेपिंग का यूज किया है कंपनी ने, जो कि दोनों साइड में आपको ये दिया जा रहा है। इग्निशन ऑन करने पे इसका जो इंडिकेटर है वो देख सकते हो आप, हेडलैम्प ऑन नहीं होगा, इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं, बाइक अगर गिरती है तो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा है। गाड़ी के हेडलैम्प की बात करें तो साइड में आपको DRLs मिलते हैं जो कि LED बल्ब के साथ प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और विजिबिलिटी काफी ज्यादा सही रहती है इसकी नाइट में, डे में भी काफी बढ़िया है। लो बीम हाई बीम आपको LED में ही दिया जा रहा है। फुली LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है आपको इस बाइक के अंदर। तो अभी इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखते हैं गाड़ी का विजिबिलिटी। तो देख सकते हो अभी DRLs की विजिबिलिटी देखो, हेडलाइट की विजिबिलिटी देखो, काफी हाई आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाती है। डे में इसकी विजिबिलिटी ऐसी है तो नाइट में आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कैसी रहने वाली है। गाड़ी का फ्रंट ऑफ फेस आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। नीचे की तरफ जो है आपको नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट इंस्टॉल होगी। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो मडगार्ड मिल रहा है सिंगल टोन में ब्लैक कलर का मिलता है, जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। ऊपर आपको कार्बन फाइबर टाइप की थोड़ी फिनिशिंग मिल जाती है। टेलीस्कोपिक टाइप के आपको सस्पेंशन दिए जा रहे हैं इस बाइक के अंदर, जिसके दोनों तरफ जो है कंपनी रिफ्लेक्टर लगा के दे रही है आपको। बाकी बात करें इस गाड़ी के फ्रंट टायर की तो 80/117 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है 17 इंच के एक ग्रे कलर के अलॉय व्हील के साथ, जिसके ऊपर जो है आपको व्हाइट कलर की स्ट्रिप भी दी जा रही है। MRF कंपनी का आपको टायर मिल रहा है, 240mm की आपको डिस्प्लेट मिल जाती है, जो कि पेटल में दे रही है कंपनी, राउंड में आपको नहीं दी जा रही, आपको कैलिपर मिल जाते हैं। अंदर आपको सिंगल हॉर्न दिया जा रहा है जिसका वॉल्यूम काफी ज्यादा लाउड है, वो मैं आपको सुना के भी दिखा दूंगा। नीचे जो है आपको इंजन काउल मिल जाता है प्लास्टिक में, जिसमें आपको डुअल टोन कलर के स्टिकर मेंशन कर रही है व्हाइट एंड ग्रे कलर। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 125 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं बड़े बड़े, जो देखने में काफी ठीक ठाक लगते हैं। आगे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में ही इसका फ्यूल टैंक दिया जा रहा है, पल्सर आपको 3D में मेंशन कर रही है कंपनी। और यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाता है जिसकी रबर क्वालिटी काफी बढ़िया है। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको E20 का सपोर्ट भी दिया जा रहा है, 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल यूज होगा। इसकी जो फ्यूल कैप है वो आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग में मिलती है, जो कि मेटल में प्रोवाइड कर रही है कंपनी आपको। अब बात करें इस गाड़ी के मीटर कंसोल की तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसके ऊपर जो है 3 लाइट मेंशन कर रही है ब्लू ग्रीन एंड रेड। नीचे आपको RPM मीटर शो हो रहा है, यहाँ पे आपके जो गियर इंडिकेटर हैं वो शो होंगे, कौन सी गियर में आप गाड़ी चला रहे हो, लो फ्यूल यहाँ पे। ऑडोमीटर आपको यहाँ मिल जाता है, ट्रिप मीटर भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ट्रिप ए ट्रिप बी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, कॉल्स SMS मिस कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें आपको नेविगेशन का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया जा रहा, तो वो मिसिंग है। यहाँ पे दो बटन दे रही है कंपनी, जिसके थ्रू इसके जो फीचर्स हैं अंदर के उनको आप यूज कर पाओगे। तो मीटर कंसोल काफी डिसेंट सा कर दिया है, बस टर्न बाय टर्न नेविगेशन का जो ऑप्शन है वो मिसिंग है। की जो है नॉर्मल सी दी जा रही है, देख सकते हो छोटी सी की मिलती है, जिसके दोनों तरफ जो है पल्सर 3D में मेंशन कर रखा है कंपनी ने। तो मीटर कंसोल आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, आपकी जो राय है वो बता देना। बाकी मीटर कंसोल मेरे को तो ठीक ही लगा। यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम और पासिंग देख सकते हो, डे में इसकी विजिबिलिटी अभी कैसी है अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा तो। यहाँ पे मोड का स्विच है जिसके अंदर के फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो, इसके इंडिकेटर यहाँ पे, नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। तो वॉल्यूम जो है आपको काफी लाउड मिल जाता है। राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल रहा है और नीचे की तरफ आपको एक सेल्फ का स्विच दिया जा रहा है। तो बटन जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं आपको। बाकी यहाँ पे आपको मिरर क्वालिटी जो है वो भी डिसेंट सी दी जा रही है, देख सकते हो मैट ब्लैक फिनिशिंग मिलती है आपको मिरर के बैक साइड में भी। बाकी गाड़ी आपको कैसी लग रही है ओवरऑल वो कमेंट करके बता देना। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को रियर से। तो गाड़ी की जो सीट है वो देख सकते हो, आपको स्प्लिट में सीट दी जा रही है, जो कि राइडर और पैसेंजर के लिए आपको अलग अलग सीट मिलती है। कुशंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सीट हाइट की बात करें तो आपको 805mm की सीट हाइट मिल जाती है। सीट काउल आपको यहाँ पे NS125 के स्टिकर मिल जाते हैं, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे 3-tone कलर का यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कंपनी ने इसके काउल पर। ये जो पार्ट है आपको प्लास्टिक में मिलता है, जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन के स्टिकर मेंशन कर रखे हैं। किक ऑप्शन मिल जाता है आपको बाइक के अंदर, यहाँ पे आपको लेग गार्ड प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इंजन के ऊपर बजाज का लोगो मेंशन कर रखा है। बाकी गाड़ी के इंजन पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 124.45cc का 4-stroke SOSC 4-valve एयर कूल्ड BS6 फेस टू वाला इंजन, जिसमें 11.99 PS की पावर मिलती है 8500 RPM पर। टॉर्क मिलता है 11 Nm का 7000 RPM पर।
तो गाड़ी की जो पावर परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, डिसेंट सी मिल जाती है। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट, ब्रेक पैड मिल जाते हैं जो कि फोल्डेबल रहने वाले हैं। इस गाड़ी के फुटरेस्ट जिस पर रबर का इस्तेमाल किया है, पैसेंजर वाले जो फुटरेस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे फोल्डेबल मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। पीछे आपको रेड कलर के मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो। नाइट्रॉक्स के आपको सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। पीछे बड़ा सा फेंडर मिल जाता है, जिसके ऊपर कार्बन फाइबर टाइप के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पीछे वाला जो टायर है सेम ही मिलता है, MRF कंपनी का आपको टायर दिया जा रहा है। जिसके साइज की बात करें 190/17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 17 इंच के ग्रे कलर के अलॉय व्हील के साथ। अलॉय व्हील के ऊपर सेम आपको यहाँ पे स्टिकर मेंशन कर रही है कंपनी, जो कि व्हाइट एंड सिल्वर कलर के फिनिशिंग के साथ दिया जा रहा है। पीछे आपको टायर हैगर भी मिलता है काफी बड़ा, जिसे पीछे जो कीचड़ है वो यहाँ पे बैक नहीं मारती। पीछे आपको स्प्लिट में ग्रैब रेल मिल जाते हैं, डुअल ग्रैब रेल मिलते हैं सॉलिड। पीछे जो टेल है सेम डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ सेम रहने वाला है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे हैलोजन में ही मिलते हैं, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। नंबर प्लेट के लिए जगह, रिफ्लेक्टर मिल जाता है। दूसरी साइड से दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको NS125 के स्टिकर मेंशन कर रही है कंपनी, वहीं 3-टोन कलर का ग्राफिक्स मिल जाता है, स्टिकर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लेडी प्लेन के लिए फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड दोनों दे रही है कंपनी, जो कि बेस्ट पार्ट हो जाता है। काफ़ी बाइकें जिनमें ये चीज़ें मेंशन नहीं करती हैं, तो करना चाहिए। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि आगे वाले टायर में और पीछे वाले टायर में आपको कितनी हवा भरवानी चाहिए। यहाँ पे आपको अगेन फुटरेस्ट फोल्डेबल मिल जाते हैं, पैसेंजर वाले, राइडर वाले भी फोल्डेबल मिलते हैं। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड दोनों मिलता है। साइड स्टैंड पे इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है, 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है आपको। इसके अंदर इसका जो कर्वेट है वो है 144 kg का। यहाँ पे जो गियर है वो मेंशन भी कर रखा है, देख सकते हो, पहला नीचे बाकी 4 ऊपर की तरफ। तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपको सेम पैनल मिलता है, सेम कलर ग्राफिक्स मेंशन किए हैं। फ्यूल टैंक के दूसरी साइड भी आपको सेम कलर ग्राफिक्स ही मेंशन कर रही है कंपनी। तो 125 के जो ग्राफिक्स हैं उनको और ज़्यादा अपडेट करना चाहिए। गाड़ी के फ्रंट से तो काफ़ी अच्छे अपडेट हो ही चुके हैं। तो फिलहाल गाड़ी आपको कैसी लग रही है ओवरऑल कमेंट करके जरूर बताना। इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली और दिल्ली NCR का, वो है 1,26,000 रुपये। बाकी आप जानना चाहते हो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस, वो भी अपनी सिटी का, तो कमेंट कर देना अपनी सिटी का नाम। यहाँ पे ओल्ड वाली दिखा दूँ तो ओल्ड में आपको कुछ इस तरह का फेस देखने को मिलता था। यहाँ पे इसमें DG+ एनालॉग मीटर भी दिया जाता था। तो आपको न्यू वाली पसंद है या फिर ये ओल्ड वाली, ओल्ड वाली आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है या फिर न्यू वाली, कमेंट कर देना, अपनी राय जरूर देना दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट लगती है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।